तो आज मैं एक अमेरिकन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, द रिचर्ड, जो कि 2019 में आई हुई थी। इसे ब्रेड प्रेयर्स और ड्रू पियर्स ने डायरेक्ट किया है और इसको IMDb मिला है 5.8/10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम 35 ईयर्स पहले की एक सीन को देखते हैं, जहां पर मेगन नाम की एक लड़की गैम्बल फैमिली में आती है बेबी सीट करने। तभी मेगन को घर के नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज़ आती है। जब मेगन जाके चेक करती है तो देखती है एक औरत को जो एक बच्ची को खा रही थी। तभी ऊपर घर के ओनर मिस्टर गैम्बल खड़े थे और वो मेगन को वहीं फंसा के बेसमेंट की दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। फिर दरवाजे के बाहर हम एक अजीब सिंबल को देखते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। वहाँ पर हम बेन नाम के एक लड़के से मिलते हैं। उसका हाथ टूटने के कारण वो अपने फादर लियम के घर आता है। एक्चुअली बेन के डैड और मॉम के बीच अब डिवोर्स होने वाली थी, इसलिए दोनों अलग अलग रहते थे। फिर अगले दिन लियम बेन को अपने बोट हाउस में लेकर जाता है और तभी बाहर बेन उनके नेवर को देखता है, टाय और एबी, और उनके दो बच्चे, बड़े बेटा का नाम डिलॉन। खैर, तो बोट हाउस में बेन मैलरी नाम की एक लड़की से मिलती है। दोनों दोस्त भी बन जाते हैं और बेन को ये भी पता चलता है कि उसके फादर का एक गर्लफ्रेंड भी है, सैरा। उधर एबी डिलॉन के साथ जंगल में थी। डिलॉन को एक पेड़ में से वही सिंबल दिखता है जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, और वहाँ एक ट्री के नीचे से कोई एबी के आवाज़ में डिलॉन को बुला रही थी। तभी असली वाली एबी डिलॉन को ढूंढते हुए आती है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। ट्री में हम एक क्रिएचर के हाथ को भी देखते हैं और थोड़ी देर बाद वो ट्री भी गायब हो जाता है। खैर, तो उधर एबी घर में अपने साथ एक डियर को भी लेके आई थी। एक्चुअली रास्ते में एक्सीडेंट के कारण वो मर चुका था, और जो कि एक अच्छा और फ्रेश मीट था, तो एबी डियर को लेके आती है। फिर डियर के काटने के बाद उसके अंदर से सारे ऑर्गन्स बाहर निकल आते हैं, जैसे कि मानो सड़ चुका है। तो एबी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर रात को हम वही जंगल वाली क्रिएचर को डियर के अंदर से बाहर आते हुए देखते हैं। उधर रात में बेन को छत पर कुछ आवाज़ आती है, तो बेन बाहर जाके चेक करता है और उसे अपने नेवर्स के घर के नीचे एक होल मिलता है जो पहले नहीं था। और तभी हम बेन के पीछे वो क्रिएचर को भी देखते हैं। फिर टाय रूम से बाहर आकर लाइट्स ऑन कर देता है और तब तक वो क्रिएचर भी चला गया था। अगले दिन सुबह एबी को भी वो होल दिखता है और उसके आसपास की फूल भी सूख चुका था। उधर बेन बोट हाउस में डिलॉन से मिलता है। बेन उसको बोलता है अगर उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेन को बताए। फिर बेन लियम और सारा के साथ एक डिनर डेट मिस करता है क्योंकि वो सारा को पसंद नहीं कर रहा था। देन बेन मेलोडी के साथ एक पार्टी में चला जाता है, बट पार्टी में कुछ किट बेन को परेशान करता है और उनकी ज्यादा नहीं बनती। उस तरफ घर में एवी को अपने छोटे बच्चे के जगह कुछ लकड़ियां मिलती है और नीचे खून ही खून था। तभी एवी को एक मॉन्स्टर खींच के लेके जाता है। बेन घर आता है तब वो देखता है एबी एक बच्चे के साथ फॉरेस्ट में जा रही थी। बेन उसे रोकने ही जा रहा था, बट तभी लियम आकर उसको घर में ले जाता है और उन दोनों के बीच बहस होता है और बेन सारा को गलत सलत बोल देता है। खैर, तो नेक्स्ट डे एबी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी और डिलॉ भी एबी को कुछ अजीब हालत में देखता है। फिर रात को बेन घर आते वक्त सारा उसे लिफ्ट दे देती है और पिछले रात के अपने हरकतों के लिए बेन सारा से माफ़ी भी मांगता है। देन बेन घर आने के बाद उसे अपने बेडरूम से कोई आवाज़ आती है। जब वो देखता है तभी वहाँ उसे डिलॉन मिलता है जो कि एबी से डर के छुपा हुआ था। तभी दरवाजे पर एबी आके डिलॉन को पुकारता है और बेन को धमकाती भी है। फिर वहाँ टाय भी आता है, उसे देखकर डिलॉन बाहर आता है और सभी चले जाते हैं। देन घर पे जाकर डिलॉन एबी के बारे में टाय को बोलता भी है, बट टाय ज़्यादा भाव नहीं देता। उधर पीछे छुपकर एबी सब सुन रही थी। अगले दिन बेन टाय के घर जाकर डिलॉ के बारे में पूछता है, बट टाय मानो इग्नोर करता है और उसका कहना था उसका कोई भी बेटा नहीं है। फिर बेन उन लोगों के घर में वही निशान दिखता है जिसे हमने आगे भी देखा है। फिर बेन उसकी एक फ़ोटो लेकर इंटरनेट में सर्च करता है और उसको इस सिंबल के रिलेटेड कुछ बात सामने आती है।
एक क्रिएचर है, उसका खुद का कोई स्किन नहीं है, पेड़ और उसकी जड़ों से बनी है। ये मॉन्स्टर फैमिली के मदर को मार के उसकी स्किन पहनता है और धीरे धीरे उन फैमिली की बच्चों को पेड़ में गुफा में ले जाकर उनको खाती है। और इस मॉन्स्टर के पास एक ताकत भी था, वो यादों को मिटा सकता था। और धीरे धीरे फैमिली वाले भूल ही जाते थे कि उनका कोई बच्चा भी है। एनीवे तो बेन उसके नेवर के घर पर नजर रखता है और ये सब बात मैलरी को भी बताता है, बट मैलरी उसे इग्नोर कर देती है और एक नोट उनके घर के बाहर छोड़ती है कि उसे पता है कि उनके घर के सेलर में क्या है। तभी टाई सेलर चेक करने जाता है, बट तभी एवी आकर उसको कंट्रोल कर लेती है। फिर बाद में हम देखते हैं एवी की स्किन अब निकल रही थी, मतलब अब शायद उसे एक नया शिकार चाहिए। देन बेन उस सेलर के अंदर जाता है जहाँ उसे एक मूर्ति मिलती है और कुछ फोटो भी दिखता है, जिसमें एक था टाई के फैमिली के फोटो जहाँ पर टाई पर स्क्रैच था, और एक थी मैलरी और उसकी बहन लिली के साथ फोटो जहाँ मैलरी के ऊपर स्क्रैच थी। मतलब अब वो मॉन्स्टर लिली को टारगेट करेगा। और यहाँ स्क्रैच का मतलब वो मॉन्स्टर जिसके ऊपर भी ये स्क्रैच करेगा उसकी मेमोरीज चली जाएगी, इसीलिए अब मैलरी को भी उसकी बहन याद ही नहीं थी। बाद में ढूंढते वक्त वहाँ के कुछ लोकल किड बेन को मारता है। फिर उसे एबी और लिली दिखता है जो जंगल की तरफ जा रही थी। बेन पीछा करते हुए जाता है और देखता है पेड़ के नीचे एक गुफा के अंदर लिली को ले जा रही थी। बेन उसे बचाने की कोशिश करता है बट पत्थर से सिर टकरा कर वो बेहोश हो जाता है। खैर तो जब बेन घर आता है तो लियाम ने पुलिस बुला लिया था क्योंकि बेन मिसिंग था। फिर बाद में बेन जब सारा से बात करता है तब वो समझ जाता है कि अब वो मॉन्स्टर सारा के अंदर थी। फिर सारा बेन को हार्म करे इससे पहले ही वो सारा को एक चाकू से रोकता है, और तभी लियाम भी आ जाता है। बेन उसे सब कुछ बोल के समझाता है बट लियाम नहीं मानता और सारा कसूर बेन का है समझकर उसे पुलिस ले जाता है। और तभी हम देखते हैं सारा पुलिस वाले के कान में कुछ बोलकर उसे कंट्रोल कर लेती है। फिर वो ऑफिसर रास्ते में रोककर पानी में डुबाकर बेन को मारने की कोशिश करता है, बट उससे रियलाइज होता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो अपने आप को ही शूट कर लेता है। उधर लियाम को अजीब फील हो रहा था तो वो टाई के घर चेक करने जाता है। वहाँ उसे एबी और टाई की डेड बॉडी मिलती है और एक विचक्राफ्ट थी जहाँ पर सारे फैमिली की तस्वीर थी। तभी पीछे से सारा आकर उसे चाकू से स्ट्रैप कर देती है, बट सारा उसको मार पाए इससे पहले ही बेन आकर सारा पर शूट कर देता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर सारा की स्किन को चीर कर बाहर आती है और उसके बीच वहाँ आग लग जाता है और सब कुछ जलने लगता है। उधर बेन लियम को कार में बैठाता है, तभी उस विचक्राफ्ट के जलने के साथ साथ बेन को अपनी मेमोरीज भी लौट आती है और उसको अपना भाई नेथन का याद आता है। और ये सबसे शॉकिंग वाली बात है कि उस मॉन्स्टर ने बेन के मेमोरीज को भी मिटा दिया था। और अब हम फ्लैशबैक के कुछ सीन को देखते हैं जहां बेन के साथ उसका भाई नेथन भी था, मतलब बेन के साथ हमेशा उसका भाई था, बट उस मॉन्स्टर ने बेन और उसके डैड की मेमोरीज को मिटा दिया था, इसीलिए वो दोनों को कुछ भी याद नहीं था। ये सब याद आते ही बेन मैलरी के साथ उस ट्री के पास जाता है अपने भाई को लेने। वो मैलरी को बाहर रख के खुद उस गुफा के अंदर जाता है जहाँ बेन देखता है वो विच डिलॉ को खा रही थी। फिर बेन नेथन को ढूंढ के बाहर लेके आता है और लिली को ढूंढने जाता है। तभी वो मॉन्स्टर बेन के ऊपर हमला कर देता है बट लिली उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। फिर बेन बहुत मुश्किल से लिली को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर बेन के पैर को पकड़ लेता है बट लियान कार से आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चला देता है। फिर उस ट्री को जला के सभी वहाँ से चला जाता है, बट मैलरी कुछ अजीब तरह से उस पेड़ को पीछे मुड़ के देखती रहती है। एनीवे अब सब कुछ ठीक हो चुका था और मैलरी एक साइकेटिस्ट से मिलती है। उसके मुताबिक लिली ने पेड़ के अंदर एक विच को देखा था और मैलरी ये सब लिली की नाइटमेयर बोल के इसे इग्नोर कर देती है।
बाद में बेन अपने मॉम डैड और नीथन के साथ इस जगह को छोड़कर जा रहा था, बट जाने से पहले वो मैलरी से मिलकर एक किस शेयर करता है और जल्दी मिलने का वादा करता है और मैलरी भी उसे एक फ्लावर देती है। बाद में कार से जाते वक्त बेन को महसूस होता है कि फ्लावर तो नकली है। और उधर हम पानी में एक बोट पर कुछ बच्चों के साथ मैलरी को देखते हैं जो कि एक क्रीपी स्माइल कर रही थी, और बस मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।